सो वेल, हेलो लेडीज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सारी लेडीज ठीक होगे। और ये अपना ब्लैक हॉल का स्टॉक है, देखो शेडिंग वाले चंक हैं। आज मैं ज़्यादा चंक नहीं तोड़ूंगी, कल कुछ ज़्यादा ही चंक मैंने तोड़ डाले थे। सी वाव, ये ब्लैक हॉल है। और ऑर्डर देने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। ये देखो कितने सुंदर चंक है, ऐसे चंक मुझे बहुत पसंद है, बहुत। वेरी नाइस स्टॉक। और पिंक नाकुमट के लिए भी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, बट मैं बता दूं पिंक नाकुमट अलग से नहीं मिलता है, इस तरह का जो बैग होता है उसमें ही एक आध दो चंक मिल जाते हैं, ठीक है। सेपरेटली पिंक नाकुमट नहीं मिलता है, तो वो भी इतने बड़े बैग में ना आपको मुश्किल से 4-5 चंक मिलते हैं। तो जो लोग कस्टमर्स डिमांड करते बहुत ज़्यादा, उनको फिर मैं वो 4-5 चंक्स जो है दे देती हूँ, राइट। सी कितना पाउडर और डस्ट हो गया है, इस बार बहुत हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आया भी था और मैंने बहुत चंक जो इस बार तोड़े हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत सारा पाउडर और ये हो गया डस्ट। तो ये भी नुकसान किसका हो गया? मेरा हो गया, बराबर। तो जो लोग मेरे वेल विशर है उन लोग मुझे बिल्कुल समझाते हैं, बताते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर और चूरा हो चुका है। आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं समझ आता है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आपको ऑर्डर देना है व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके, ठीक है। और इसके अलावा प्लीज़ कॉल मत किया करो, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो भी चलेगा, कॉल करने की नीड नहीं है। और हमारा स्टॉक 100% नॉन ग्रीटी ही है, बट एक आधा चंक किसी को चला जाए गलती से तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अदरवाइज़ ये पूरा स्टॉक, कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी क्ले ले लो, सारी नॉन ग्रिडी ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ करके ही लिया था, तभी मुझे थोड़ा महंगा पड़ा है, कितनी बार तो बता ही चुकी हूँ। हाँ, और बता रही थी ऑर्डर कैसे करना है, देखो कितना बड़ा चंक है, वाव, वेरी बिग चंक, वेरी वेरी। हाथों से तो ये नहीं टूटेगा, बड़े चंक हाथों से नहीं टूटते। और आज मैं हैमर का यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही चंक तोड़ डाले थे कल। हाँ, आप लोग व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कॉल करने की नीड नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, थोड़ी देर में आपको रिप्लाई मिल ही जाता है। तुरंत के तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं कि मैसेज डाल के तुरंत तुरंत कॉल करने लग जाओ, क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ, जब भी फ़ोन देखती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, तो आप लोगों को ज़रूर डेफिनेटली रिप्लाई बैक देती हूँ, ठीक है। और पूरा दिन तो कोई फ़ोन लेके बैठा नहीं रहता है, अफकोर्स दूसरे भी काम होते हैं, दूसरी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, घर की चीज़ें होती है ना। और अभी ये लास्ट बैग है ब्लैक हॉल की, तो ये जो क्रम्बल्स निकलेंगे फुल रोस्टेड और ब्लैक हॉल के, तो ये आप लोगों को लेने होंगे तो बता देना, ठीक है। मेरा क्रम्बल विद पाउडर होगा और इतने ही क्रम्बल आएंगे, ये साइज़ के क्रम्बल आएंगे, ठीक है, इससे बड़े नहीं आएंगे क्रम्बल में। वाव, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत क्रंची, बहुत स्मोकी अर्दी स्टॉक है इस बार का ब्लैक हॉल का। मतलब जितने बैग गए बहुत अच्छे, सबने बहुत तारीफ की, बहुत सबको बहुत पसंद आए, सीरियसली लाइक वाव। ये देखो, ये जो रेड है
ये उसमें टेक्सचर होता है, इंटरनली ही ऐसा टेक्सचर आता है। सी वाव, ये पूरा डस्ट है ना, ये जो पाउडर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये डस्ट है। क्ले तोड़ने पे डस्ट ही निकलता है, ऑफ कोर्स क्ले है तो डस्ट होगा ही। और हाँ, इंटरनेशनल शिपिंग मैंने स्टार्ट की है, बट कैसा हो रहा है ना, अभी मेरे पास ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और इंटरनेशनल शिपिंग के कुछ रूल्स हैं, वो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगी। जिन जो भी इंटरनेशनली ऑर्डर लेना चाहते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सेम नंबर ही है सभी के लिए। ओके, ये टोटली नॉन रोस्टेड वाला चंक है, बताए टोटली ठीक है, इसमें था तो मैं इसमें ही रखती हूँ। कोई होगा ऐसा क्ले, इसीलिए इंटरनेशनल वालों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग मैसेज करके जो है, वाव ये देखो, ये मेटालिक, पूरा मेटालिक टेस्ट देता है ये, जो इस तरह का ब्लैक क्ले हो जाता है ना, इसका टेस्ट काफ़ी काफ़ी ऑसम होता है, बहुत अच्छा लगता है बहुत। कुछ कस्टमर्स तो स्पेसिफिकली इतना ही मांगते, बाकी कस्टमाइज पार्सल भी मिल जाएगा, जिसको चाहिए ऑर्डर दे सकते हो कस्टमाइज का भी, ठीक है। ये सब चंक कस्टमाइज के ही तोड़े हुए हैं, देख लीजिए कितना अच्छा स्टॉक है अपना। अर्दी स्मोकी, वेरी क्रंची, ब्लैक होल बहुत लोगों को पसंद है, मतलब स्टॉक का हीरो हमेशा से मैंने कहा है, शार्क टैंक में से देख के। शार्क टैंक जो आता है ना, सीजन 3 तो अभी खत्म हो गया, तो उसी में से मैंने देख के सीखा था स्टॉक का हीरो, और कुछ नहीं। तो आप लोग डेफिनेटली बाय करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। दिस इज अवर ब्लैक हॉल, सी कितना सुंदर दिख रहा है ना। देखो ये ना, मतलब हर 2 दिन में एक बार ग्लव्स चेंज करने पड़ते, इतना ज्यादा खराब हो जाता है डस्ट से। मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है ना, तो फिर मुझे डस्ट लगता है ना, तो मतलब मेरे हाथों में भी थोड़ा सा ड्राइनेस होता है, इसकी वजह से मैं ग्लव्स पहन के ही रखती हूँ। और ग्लव्स पहन के काम करना इज लिटिल बिट हाइजेनिक है ना, मोर हाइजेनिक। सी आई डोंट वांट के नाखून टूट जाए, ऐसे तो नहीं टूटते बट स्टिल। अब ये अलग डिजाइन का ग्लव्स हो चुका है। एंड यस, लाइफ चल रही है, जा रहा है सब कुछ धीरे धीरे। और इंटरनेशनल वाले प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपने अब तक पेशेंस रखा है, काम चालू ही है, डिलीवरी लेना मैंने स्टार्ट कर दिया है, बस मैं स्टॉक का वेट कर रही हूँ, एक बार नया स्टॉक आ जाए फिर आप लोग भी जो है ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो ये पेंडिंग स्टॉक बचा है ना, ये उतनी क्वांटिटी नहीं है जितना मैं आप लोगों को ऑफ़र कर पाऊँ, तो ये मेरे डोमेस्टिक वालों के लिए ही है, मेरे जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए मैंने रखा है, ठीक है। क्वांटिटी मैटर करती है ना आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल के लिए, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। अदरवाइज कम ऑर्डर्स होंगे जिनके, उनके मैं लूंगी, बट थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो नहीं ले पाऊंगी, बट ठीक है। जिसको भी फिर भी चाहिए आप लोग मैसेज ज़रूर करना, जो भी होगा आप लोगों से बात करके मैं क्लियर कर लूंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर क्ले इज, वेरी अर्दी, वेरी क्रंची, बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत बहुत अच्छी। इसके अलावा मेरे पास ये हाफ रोस्टेड बटर ग्रेवी रखा हुआ है, हाँ तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हाफ रोस्टेड बटर ग्रे का स्टॉक रखा हुआ है, और फाफड़ा बटर ग्रे है, नॉर्मल बटर ग्रे है, इवन डबल रोस्टेड बटर ग्रे है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि मेरी डबल रोस्टेड बटर ग्रे भी कस्टमाइज ही है। देखो कितने बड़े बड़े चंक हैं,
हाफ रोस्टेड भी बहुत लोगों को पसंद आ रही है। देखो पिंकिश वाली क्ले थी ये, टोटली दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी। और ये देखो, जब भी आपको क्ले मिलती है आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो सन ड्राई कर लो यानी कि धूप में सुखा दो ताकि इसकी क्रंचीनेस और बढ़ जाए और जो स्मेल है एक वो भी निकल जाए, ठीक है। सेकंड थिंग आप लोग ये कर सकते हो कि कॉटन क्लोथ से इसको वाइप कर सकते हो, पोंछ सकते हो, ड्राई क्लीनिंग कर सकते हो, है ना। तो ये अपना हाफ रोस्टेड का स्टॉक है। मैं नॉन रोस्टेड ज़्यादा रखती नहीं हूँ, नॉन रोस्टेड इज लाइक दिस, पूरा ऐसा चंक होता है तो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, इसीलिए नॉन रोस्टेड ज़्यादा रखती नहीं हूँ, थोड़ा ही है फॉर सैंपल, ओके। एंड इसके अलावा वाओ देखो कितना बड़ा चंक है, इसमें बहुत लेयर्स है, बहुत मतलब लेयर्स की कमी नहीं होती है। और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी और बटर ग्रे में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बटर ग्रे और मुल्तानी मिट्टी अलग है, टेस्ट आप लोगों को अलग फील होगा, ठीक है। आप लोग मुल्तानी मिट्टी जिसने क्रंच की है उनको पता है, मैंने भी ट्राई की है, टेस्ट अलग है, बटर ग्रे का और मुल्तानी मिट्टी का टेस्ट अलग है। और बटर ग्रे कभी भी ग्रिटी नहीं होती है, ऑलवेज नॉन ग्रिटी। आप देखो चंक देखो, आपको समझ में आएगा, देखो देखिए ये ऑलवेज नॉन ग्रिटी स्टॉक होता है, इसमें कोई भी ग्रिटीनेस नहीं आती है। सी वाओ, इसमें रेड भी मिक्स है, रेड की भी बहुत डिमांड है, ठीक है। बहुत लोगों को रेड ही चाहिए, स्पेसिफिकली ऐसी ही चाहिए, बट देखो आप लोग इतनी ज्यादा नहीं है। जिस कोई भी कस्टमर जो भी चीज मांगता है अगर मेरे पास अवेलेबल होती है तो मैं डेफिनेटली देती हूँ, नहीं होती है तो मना कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि फिर आपने मांगा है ए और मैं बी में से निकाल के ए दे दूं, ऐसा नहीं होता है ना, झूठ नहीं करती। और ये देखो इसकी लेयर्स मुझे पता ना निकलेगी, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस चंक इज, वाओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाफ रोस्टेड अच्छी होती है, स्टिकी कम है, मेरी सारी बटर ग्रे कम स्टिकी है, रोस्टेड है और थोड़ा बहुत गमी फील होता ही है एंड में, लेकिन क्रंची भी है और अर्दी तो ओ माय गॉड बहुत अर्दी है, बहुत अर्दी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। बटर ग्रे की स्मेल ना बहुत अच्छी आती है। सी और ये है हमारी डबल रोस्टेड बटर ग्रे, ठीक है, जिसमें छोटे चंक ही आते हैं, बड़े चंक नहीं आते। अगर बड़े आएंगे तो वो अच्छे से जो है रोस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए छोटे छोटे ही रहते हैं ताकि अच्छे से रोस्ट भी हो जाए और ज़्यादा भी रोस्ट ना हो कि खा ही ना पाए और कड़वाई लगे। तो ये आपको कोल जैसी दिख रही होगी बट ये कोल नहीं है, दिस इज डबल रोस्टेड बटर ग्रे। बटर ग्रे के जो फैन हैं उनके लिए आज की वीडियो डेडिकेटेड है, बिकॉज बहुत दिन से लोग बोल रहे थे बटर ग्रे की वीडियो भी बनाओ। सी इसमें भी लेयर्स है एंड बहुत क्रंची है, इसमें तो आपको स्टिकीनेस गमीनेस फील ही नहीं होता, ये बहुत क्रंची है। देखो इसके अंदर सेम वही होता है टेक्सचर, बट बाहर से ये इतनी अच्छे से रोस्ट हुई रहती है ना हर एक साइड से, देखो। तो ये डबल रोस्टेड बटर ग्रे है। सी देखो नेचुरली रेड निकला है इसमें, वाह। इसमें रेड हो ही जाते हैं क्योंकि जब इसमें भूनते हैं ना तो भूनने से इसका कलर चेंज हो जाता है इसकी वजह से, और कुछ कुछ क्ले का टेक्सचर ही नेचुरली रेड है। देखो इसका टेक्सचर है, ठीक है। तो हमारी डबल रोस्टेड बटर ग्रे में बहुत सारे रेड है चंक, जिसको भी चाहिए फटाफट ऑर्डर करो। और हाँ, ऑर्डर करने के पहले आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज तो करना है, कॉल नहीं करना, बट एक चीज़ और, अपनी लोकेशन बतानी है। आप लोग लोकेशन बताने के लिए तो ऐसा नाटक करते हो जैसे कि मैं आ रही हूँ आपके घर पे, भाई इतना टाइम नहीं होता है, लोकेशन बतानी पड़ती है ताकि मैं आप लोगों को जो है रेट बता पाऊँ शिपिंग चार्जेस के हिसाब से। ऐसे नहीं होता ना मैं अपने मन से रेट बता दूँ, समझ में आई बात।
तो बिना सोचे समझे यार इतना, मतलब चार चार पांच पांच बार पूछती हूँ ना, ऊपर से कस्टमर फिर ताना ही मार देगा कि आपको रेट पूछ रहे, आप लोकेशन ही पूछ जा रही हो, आपको रेट पूछ रहे। अरे बहन, पहले लोकेशन तो पता तभी रेट बताऊंगी ना। चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आवर स्टॉक। और इंटरनेशनल शिपिंग भी चालू है, जिसको देना है ऑर्डर जल्दी दीजिए। और हर एक चीज़ में ना थोड़ा सा समय लगता है करने में, ऐसा नहीं है ना कि फटाफट हो जाए। तो इंटरनेशनली जाना थोड़ा सा बड़ी बात है, इसलिए मैं थोड़ा और वेट कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है, ऐसी हवा में नहीं हो जाती। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।